आज एक बहुत ही सुंदर रात है, पूर्णिमा का दूसरा दिन, देखे तो सुंदर कैसे चांद आपके को चमक रहा है। और आप लोगों ने इतनी अच्छी संख्या यहाँ इकट्ठा करके सब लोगों ने हम सब की हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी, सबकी बहुत बहुत आभारी। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय देवी सिंह जी भारती साहब, जो हमारे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद श्री अर्जुन जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल, अभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर शामिल हुए वीर साहब अमीन जी शाह, श्री सलीम जी भाटी और श्री श्याम जी तवर, सबसे पहले मैं वीर साहब आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका पार्टी के अंदर आना है, क्या हमारे पार्टी को बहुत मजबूत करना है। और एक किस्म से हमारे पार्टी के अंदर जो हमने कहा कि 36 के 36 कौम के बिना हमारा खून नहीं चलता, 36 के 36 कौम के बिना हमारा परिवार एक नहीं होता है। आज आपके यहाँ आने से ये हमारे 36 के 36 कौम मजबूत हुए हैं और हमारा परिवार मजबूत हुआ है। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये मजबूत परिवार के साथ हम आगे चल के राजस्थान के अंदर सरकार भी बनाएंगे। जिला अध्यक्ष रामकृपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी शेखावत, मंडल अध्यक्ष शंकर जी पारे, विधानसभा प्रभारी हमारे जालिम सिंह साहब और पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री हरिकिशन जी शर्मा, इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सामने बैठे हुए मेरे छत्तरगढ़ परिवार के इतने सारे भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लोग को भी बैठे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग आज यहाँ हम सबके बीच में आए, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि चुनाव किस तरफ जा रहा है वो अभी आप लोगों ने मुझे बताया। मैं यह आई थी ये सोच करके कि विश्वनाथ के बाद डॉक्टर विश्वनाथ के लिए मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत होगी, परंतु आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी आवाज उठाई, जिस तरीके से आपने और जिस प्यार के साथ आपने विश्वनाथ जी को अपनाया, मैं तो यहाँ से बिल्कुल खुश होके जा रही हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने तय कर दिया आपको आराम से जिता दे। ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर मैं 3 दफा आई हूँ, मुझे भी याद है जब वो बैठ टूटी थी तब यहाँ आने का मौका मिला था, मुझे खुशी नहीं थी क्योंकि 2 दिन के अंदर ही वोट लेने के 2 दिन के अंदर ही इतना बड़ा हादसा हुआ और यहाँ मैं आके जितने जल्दी उसको ठीक कर पाए हम लोगों ने मिलकर करने की कोशिश की। उसके बाद नहर का दौरा, इस नहर के दौरा मैं समझती हूँ कि बहुत दिन बाद पहली दफा किसी ने किया कि पूरी सरकार बीकानेर के अंदर आई, सब लोग उस गर्मी के अंदर पूरे नहर के तंत्र को देख के और आप लोगों की सुनने के लिए, आपकी क्रिया को सुनने के लिए आपके बीच में 5 क्षेत्रों में जयपुर के अंदर नहीं बैठ सकते। ये जरूरी है कि सरकार जनता के बीच में आके उनके दुख दर्द समझने को। और किसी ने मेरे से कहा कि आपको और कोई समय नहीं मिला कि गर्मी के 50 डिग्री के अंदर ही आपको यहाँ आना पड़ा, मैंने कहा मैं चला के 50 डिग्री में आई हूँ क्योंकि इसी समय यही समय है जब जनता दुखी होती है और इस समय के अंदर अगर हम उनके साथ चल सकते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि उनके क्या दुख और दर्द है, नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा वो आज जयपुर में बैठे बैठे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि नहरी मंत्री है कौन, नाम जानते हो आप? अरे कोई एक खड़े होकर नाम बता दो। नहरी मंत्री वो तो आपके काम आता होगा, क्षेत्र के अंदर घूमता होगा, आपके क्षेत्र के मुसीबत को समझता होगा, आता है क्या? नहीं, मुझे एक चीज बता दो फिर, ये पिछले 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री की शक्ल देखी क्या? मुख्यमंत्री आया ही नहीं यहाँ, और मुख्यमंत्री आया नहीं और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट हमारे इस नम्र आपके परिवार का एक सदस्य जिसने आपके चरण के अंदर रह के आपके काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके सामने एक कांग्रेस का कैंडिडेट उतारने की कोशिश भी की, कैसे की, जो आया नहीं आपके सामने कभी। ऐसे मुख्यमंत्री ने आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश की है जिससे मैं तो समझती हूँ कि आपको संभलना चाहिए,
इसके बारे में आप अच्छी तरह सब लोग जानते हो। मैंने तो कांग्रेस का देखे कैंडिडेट, कांग्रेस के जो मेन कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने बहुत सारे छोटे छोटे कांग्रेस पैदा कर दिए। कांग्रेस भी आपका लगा हुआ है गंगानगर क्षेत्र का एक पार्टी खड़ी हो गई है। कांग्रेस भी आपके उधर हमारे सवाल माधोपुर उस इलाके के अंदर एक पार्टी खड़ी की है। कांग्रेस जी हमारे चारों ओर ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो हमारे हाथ और पैर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ई, कांग्रेस एफ, ऐसे सारे सारे लोग हैं और इन लोग सब ने जो टिकट दिए हैं इन सब पार्टियों को, वो मुख्यमंत्री के घर से मुख्यमंत्री की वजह से इन लोग सबको टिकट देने का हम लोगों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ के दिया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आसपास जो लोग भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल दे सकते हैं ऐसे लोगों को लाने की कोशिश की है। और मेरे से लोगों ने पूछा कि कांग्रेस इतनी बड़ी, इतनी मजबूत, इतने पैसे वाली, और मैंने आप कैसे किस तरीके से चुनाव चलाओगे, मैं सबको ये कहा कि इनके पास सब कुछ है परंतु हमारे पास एक चीज है जो उनके किसी के पास नहीं है, वो ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का प्रेम। और जनता का प्रेम और विश्वास के द्वारा हम चुनाव अपना लड़ने जा रहे हैं। ये प्रेम और विश्वास है जिसके हम हमेशा भूखे रहे हैं, ये प्रेम और विश्वास है जिसके ऊपर हम पागल हैं, ये प्रेम और विश्वास है जिसके लिए भूखे प्यासे दौड़ेंगे आपके लिए। आप अपना प्यार देते रहिए, आप हमारे सिर के ऊपर हाथ रखते रहिए, आप अपने विश्वास में कभी मत छोड़िए। और मैं आपको आज यह विश्वास देना चाहती हूँ, हम सब आपके ही उम्मीद हैं, आपके लिए ही काम करेंगे, आपके पीछे ही भागेंगे और आपके यहाँ कोई मुसीबत आने नहीं देंगे। ये मैं विश्वास आपको सबको दिलाना चाहती हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घरेलू बिजली जो पहले वादा किया था उस घरेलू बिजली को 24 घंटे आपको देके छोड़ेंगे, ये भी मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ, घरेलू बिजली आपको मिलेगी। भाइयों क्या रोज है, आज दिन भर में रायसिंह नगर पदमपुर आपके संगरिया तक होते होते आप तक मेरे को आने का मौका मिला है। पूरे राजस्थान में आपके यहाँ दवाई है। मैं रायसिंह नगर में ये सोच रही थी कि ये रोड है कि गड्ढा, जिस तरीके से हम लोग निकले मेरे सामने तो सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दे रहा था, रोड का नाम और निशानी नहीं था। और मेरे साथ जो लोग बोल थे वो बोल रहे थे कि ये रोड है, मेरे को नहीं दिखा। ये स्थिति है आज रोड की। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेगा हाईवे बने हमारे टाइम में आपने देख लिया, अभी भी चालू है। आपका इतना बड़ा मेगा हाईवे बना अटल जी के टाइम पे, वो आज भी चालू है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, रोड के सेक्टर में कोई काम भी नहीं करके दिखाया, ना खेती, ना पानी, ना बिजली, ना सड़क। महंगाई तो इनके साथ बन के चली आती है, जहां कांग्रेस वहां महंगाई, जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार। आज पेट्रोल है, डीजल है, खाद है, बीज है, अरे टमाटर है, प्याज है, नमक तक को नहीं छोड़ा। इस सब चीजों के अंदर महंगाई और कमर तोड़ महंगाई और लोग परेशान। सब लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार कब जाएगी तो हम रात की सांस ले सकेंगे। ये स्थिति सब दूर है। मैं आज आप लोगों के सामने मैं खाली आप लोगों को ये कहने आया हूँ। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब काम आकर समय आ गया काम पर। पहले आपका काम, फिर उसके बाद हमारा काम। आपके बीच में पीले चावल चावल देने आई हूं, पीले चावल देने आई हूं 1 तारीख के लिए, अभी ले लो भाइयों। मेरे पीले चावल लेके उस बटन को दबाना, कमल के फूल को लाना और जोरदार तरीके से इस नम्र व्यक्ति को जिसने आपको अपना परिवार माना है, उस व्यक्ति को फिर से मौका देना ताकि वो आपके काम में फिर से अग्रसर बने। मैं आज आप सबसे कहने आई हूं कि ये है सेमीफाइनल। इस सेमीफाइनल का रोड खाजूवाला से होते हुए जयपुर पहुंचता है। और इस बार अगर आपने सेमीफाइनल पूरा कर दिया तो 2014